कोरोना महामारी से आज पूरा प्रदेश और देश ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या रोजाना हजारों में बढ़ रही है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जो हम सबके लिए अच्छी खबर है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने बताया कि कोरोना की वैक्सीन 2021 के शुरुआती महीनों में लोगों को उपलब्ध होने लगेगी। उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में 200 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। वहीं 7 से 8 वैक्सीन ऐसी हैं जिनका ट्रायल दूसरे और तीसरे स्टेज में है। वहीं 3 वैक्सीन ऐसी हैं जिनका ट्रायल भारत में चल रहा है। ट्रायल पूरा होने पर उसके परिणाम के प्रकाशन और स्वीकार्य के बाद वैक्सीन का उत्पाद शुरू होगा। ऐसे में लोगों तक मार्च या अप्रैल 2021 तक कोरोना की वैक्सीन लोगों तक पहुंचने की संभावना है, लेकिन इसकी सफलता की 60% से लेकर 80% तक हो सकती है। इस पर विशेषज्ञ शोध कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन आ जाने के बाद भी हमें मास्क का उपयोग और कोरोना से जुड़े नियमों का पालन फिर भी करना होगा। दिसंबर के आखिरी में मैंने लोगों को लगे कि जल्दी आ रही है इसलिए दिसंबर जोड़ दिया, वरना विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी 2021 के प्रारंभ में ये वैक्सीन आने की संभावना है। 200 से ज्यादा वैक्सीन के ऊपर विश्व में चल रहा है, रिसर्च चल रही है। इसमें 8-9 वैक्सीन एडवांस स्टेज ऑफ ट्रायल में है, ये फेज 2 फेज 3 में है। उनमें से 3 हमारे देश में फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल के लिए अनुमति मिली है, तो वो 3 वैक्सीन उम्मीद है कि 2021 के पहले महीने तक आ जानी चाहिए, 2020 के अंत में या 2021 के प्रारंभ में। एक बार वैक्सीन ट्रायल के बाद में उसके परिणाम प्रकाशित हो जाते हैं और स्वीकार्य हो जाते हैं, फिर उसका निर्माण चालू होगा। निर्माण में लोगों का कहना है कि 2-3 महीने और लग सकते हैं, तो मार्च अप्रैल मई इतने में वैक्सीन तैयार हो सकती है। और जल्दी में ये वैक्सीन तैयार की गई है, तो इसका असर कितना होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। अमेरिका के जो विशेषज्ञ हैं, राष्ट्रपति जी को भी जो सलाह देते हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि इसकी उपयोगिता 60% भी हो सकती है, 80% भी हो सकती है, 100% वो भी नहीं कह पा रहे हैं। तो ये वैक्सीन के आने के बाद पता चलेगा। और स्पष्ट है कि ये जो हमारा ये जो नया चलन है, नया तरीका कोरोना के साथ रहने का, हाथ धो के रहना, दूरी बना के रखना और मास्क अनिवार्य रूप से पहनना, ये वैक्सीन आने के बाद भी हमको अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समय न्यूज़।